इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो लगभग हर एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं, और जेट और आईसीआर में तो मोस्टली इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर वन, खैरा रोग किस फसल का मुख्य रोग है? जो खैरा रोग है वो किस फसल का मुख्य रोग है? तो खैरा रोग होता है धान के अंदर। धान और चावल दोनों एक ही है। जब तक चावल के ऊपर छिलका लगा होता है और जब तक ये चावल की फसल खेत में होती है, तब तक वो धान कहलाती है, और छिलका उतरने के बाद में ये चावल बन जाता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो धान का खैरा रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो धान का खैरा रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग होता है जिंक या जस्ते की कमी के कारण। जो धान का खैरा रोग होता है वो होता है जिंक या जस्ते की कमी के कारण। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, काजरी CAZRI काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी कहाँ पर स्थित है? तो काजरी जो है वो है जोधपुर में। इसका पूरा जो नाम है वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है, और ये जोधपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसकी जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1959 में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गेहूँ की फसल की सामान्य बीज दर कितनी होती है? गेहूँ की फसल की सामान्य बीज दर कितनी होती है? यहाँ पर बीज दर सामान्य पूछ रहा है, तो गेहूँ की फसल की जो बीज दर होती है वो सामान्य बीज दर होती है 100 किलोग्राम पर हेक्टर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं? जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, जलेबी के आकार के सींग मुर्रा नस्ल की भैंस के या मुर्रा नस्ल के पशु के होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सबसे अधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है? तो सबसे अधिक वसा पाई जाती है भदावरी नस्ल के दूध में पाई जाती है। और वसा की जो मात्रा होती है वो होती है 13%, यानी कि 13%। सबसे अधिक वसा 13% होती है भदावरी नस्ल की भैंस में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम किस नस्ल के बैल को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नागौरी। जो सबसे अधिक कृषि कार्य करने के लिए और मजबूत नस्ल के जो बैल होते हैं वो नागौरी नस्ल के होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? तो जो फल मक्खी है वो बेर का मुख्य कीट है। फल मक्खी बेर की फसल का मुख्य कीट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है? राजस्थान को उसकी जलवायु की परिस्थितियों के आधार पर कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10। कृषि सस्य जलवायु खंडों में राजस्थान को बांटा गया है। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10 है, एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो एनीमोमीटर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु के वेग को मापने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन। तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु के वेग मापन के लिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, खुरपका मुंहपका रोग किस कारण होता है? तो जो खुरपका मुंहपका रोग होता है वो वायरस द्वारा होता है, और इस वायरस का जो टाइप होता है वो होता है AOC। जो वायरस का टाइप होता है वो टाइप होता है AOC वायरस द्वारा होता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? तो राजस्थान की मेरिनो किसको कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो चोकला नस्ल की भेड़ को कहा जाता है। और इस नस्ल के जो पशु होते हैं वो मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र से मतलब है सीकर, चूरू और झुंझुनू आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस नस्ल के जो पशु होते हैं वो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है,
गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? गुलाब में प्रवर्धन प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? तो गुलाब में प्रवर्धन करने की जो व्यावसायिक विधि है वो विधि है टी बडिंग द्वारा। गुलाब में प्रवर्धन करने की व्यावसायिक विधि है टी बडिंग द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है आम का। विश्व का लगभग 60% यानी कि 60% आम अकेला भारत उत्पादित करता है। तो सबसे अधिक उत्पादन आम का होता है भारत में, और आम के बाद में सबसे अधिक उत्पादन होता है केले का। आम के बाद में सबसे अधिक उत्पादन होता है केले का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? तो गरीब का सेब किसे कहते हैं? गरीब का सेब बोला जाता है बेर को। गरीब का सेब बोला जाता है बेर को। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक उर्वरक है? निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक उर्वरक है? तो कार्बनिक उर्वरक कौन सा होगा? यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 42%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 42%। फिर क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें है मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मृदा में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। मृदा में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व होता है ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, आम की प्रथम संकर किस्म है? आम की प्रथम संकर किस्म है? आम की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? आम की प्रथम संकर किस्म है मल्लिका। आम की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? मल्लिका। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। देखिए इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के पीछे कल्चर आता है, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लिखा हुआ आता है, वो शब्द लगभग 99% लैटिन भाषा के ही होते हैं। वो शब्द हमेशा लैटिन भाषा के ही होते हैं। और जिन शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी आता है, जिन शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी लिखा हुआ आता है, वो शब्द हमेशा ग्रीक भाषा के होते हैं। वो शब्द हमेशा ग्रीक भाषा के होते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1966। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 यानी 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, पपीते में पीला रंग किस कारण होता है? पपीते में पीला रंग किस कारण होता है? तो पपीते जो होता है उसमें पीला रंग होता है, वो पीला रंग होता है केरिका जेथीन के कारण। जो पीला रंग होता है वो होता है केरिका जेथीन के कारण इसका पीला रंग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूने का उपयोग किया जाता है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। इनमें से लगभग सवाल आते ही रहते हैं, जेट ICER और BHU और जितने भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनमें से सवाल आते हैं। तो इसको ध्यान से देख लेना, और नेक्स्ट में जो 25 क्वेश्चन डालूंगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर के जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा और वो डाल दूंगा। और मैं जेट के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाऊंगा मैं सॉल्व। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।